आज हम देखने वाले हैं वाटर क्यूरिंग मेथड्स, जिसमें से ये कुछ साइड में दिए हुए टाइप्स है उसके। और अभी ये है पॉन्डिंग, वाटर पॉन्डिंग मेथड्स, जिसमें आड़ा वाफा कुछ भी बोला जाता है। और ये है स्प्रिंकलर, हम स्प्रिंकलर की मदद से भी कुछ पानी स्प्रेड कर सकते हैं। जो खेती में लगाए हुए स्प्रिंकलर रहते हैं, वो मोटर चालू करने के बाद चालू होने से पानी स्प्रेड होता रहता है। इसमें आप ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी गिरते रहता है। और तीसरा एक और है, जो गनी बैग का यूज़ करके हम क्यूरिंग कर सकते हैं। ये गनी बैग दिख रहा है, इस पे आप पानी डाल दीजिए, फिर ये दिन भर गीला रह सकता है। एक से दो बार पानी डालने के बाद दिन और रात भर गीला रहेगा आपका स्लैब। स्लोपिंग स्लैब के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ इसको गनी बैग ज़्यादा लगते हैं। और यहाँ से आप देख पाएंगे पूरा नज़ारा, जो तीनों टाइप हमने यूज़ किए हैं क्यूरिंग के।